तो दोस्तों ये जो जनता है इनका दोष क्या है? अगर ट्रेन लेट है तो इनका दोष क्या है? इसमें इनकी क्या गलती है? इन सब का नुकसान होता है जब ये समय पर घर नहीं पहुंच पाते, अपने व्यापार को नहीं पहुंच पाते, अपनी परीक्षा नहीं दे पाते। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं देख लीजिए, बहुत लंबी कतार लगी, इलाहाबाद स्टेशन है, इनका दोष क्या है? और ये किसी एक दिन नहीं होता, रोज़ की ये रोज़ का काम है दोस्तों। रोज़ ट्रेनें लेट होती हैं, रोज़ लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। इनकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा भरपाई? कभी भी देश तरक्की कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा दोस्त, क्योंकि जो पूरी जनता है वो इंडियन रेलवे पे डिपेंड है। जब ट्रेन ही अपने समय पे नहीं है तो यहाँ पे युवा कैसे तरक्की कर पाएगा, चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए। तो दोस्तों इस समय मैं ट्रेन में हूँ और देख लीजिए यहाँ की परिस्थिति। ये देखो भैया, और बताओ भाई, ऐसा ही होता है? हाँ ऐसा ही होता है, डेली ट्रेन लेट आती है, ऐसा ही होता है। ऐसे ही खड़े होकर के आप जाते हो? बस भैया डेली, यही डेली का यही काम। देख लीजिए ये ऊपर वाले भैया, देखिए कहाँ जगह नहीं मिल पाई है। और यहाँ पर एक लोग हैं, इनसे मिलिएगा। ये देखिए, जहाँ पर सामान रखा जाता है वहाँ पर आदमी अब रखा जाने लगा है। देश की ये स्थिति हो गई है। ये देखिए, क्या नाम है सर आपका? अमर। खुश हो, प्रसन्न हो? ये तो था, अब जहाँ बोरे वोरे रखे जाते हैं वहाँ देखो आदमी रखे गए नीचे। देख लो बोरे की जगह आदमी रखा। ये है भैया परिस्थिति, कुछ ये इधर 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 देख लीजिए भैया लगे। जमीन पे देखो सब लोग बैठे हैं, ये है परिस्थिति यहाँ पे। और ऊपर से ट्रेन लेट, जो ट्रेन हमें टिकट मिस हुई है, जो ट्रेन कानपुर 10:30 बजे पहुँचती है, 4:30 बजने को है, अभी तक कानपुर नहीं पहुँची है अभी भी ट्रेन। पंखा नहीं चल रहा है, देखिए शिकायत कर रहे हैं लोग, पंखा नहीं चल रहा है ये वाला, गर्मी से बुरा हाल है लोगों का। दो बार दवाई खाई हुई तो बहुत है यहाँ पे, अभी एक दो लोग बेहोश भी हो गए। दो बार दवाई खा चुका, गर्मी से बेहोश हो रहे हैं लोग यहाँ पर। हमारी सरकार क्या कर रही है? ये पंखा जो ऊपर है हवा नहीं लगती है दोस्त, हवा नहीं लगती है इस पंखे में, हवा नहीं लगती है। चप्पल जूते रखने के काम आता है ये पंखा, सिर्फ चप्पल जूते रखने के काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो खाने पीने का जो सामान है, चना यहाँ पर मिलता है, देख सकते हैं चना, जूम करो थोड़ा, बहुत पास से चना बने, पास से दिखा दो बंटी। हाँ ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यही चने खाया जाता है, सबसे शुद्ध होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले भुने वाली चीज़ें आप मत खाया करिए, आपको नुकसान कर सकता है, चना सबसे बेस्ट है। हेलो दोस्तों, इस समय मैं कानपुर स्टेशन में हूँ और इसी ट्रेन से मैं आया था, नंदन का कानन शायद इसका नाम है। ये देख लीजिए कानपुर सेंट्रल, बस रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस पे कुछ काम कीजिए और इसको सुधारिए। मेरा दावा है अगर इंडियन रेलवे अगर सुधर जाए, समय पर काम करने लगे, समय पर सारी ट्रेनें आने लगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि अपना जो भारत देश है वो बहुत ऊंचाई पे होगा दोस्तों, बहुत ऊंचाई पे होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।